ट्राई करते रहेंगे, सब बैठे रहेंगे। तो आई एम सॉरी, ये भुट्टो का दौर नहीं है कि मार दिया गया, किसी को पता भी नहीं लगा, मीडिया भी नहीं थी, वो क्या कुछ भी नहीं था, ना सोशल मीडिया थी, ना मीडिया था, कुछ भी नहीं था। अब एक एक पल की खबर होती है हर जगह। अगर इनको ये लगता है कि ये वही सेम चीज़ रिपीट करेंगे जो भुट्टो की दफ़ा में हुई थी, तो आई एम सॉरी फॉर देयर मिस्टेक, वो चीज़ तो दोबारा नहीं चलेगी। एक कॉल थी, एक कॉल पे आप देख रहे हैं 15 मिनट के अंदर कितने सारे लोग इकट्ठे हो गए, एंड रात तक ये और इंक्रीज कर जाएंगे। तो गलती हुई है इनकी साइड से, और अब देयर गोइंग टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, मुझे ये बताएं कि मैडम, अगर आप अभी बोलने की कंडीशन में हैं, तो आप देख सकते हैं जो खातून हैं इनकी वालेहाना मोहब्बत कप्तान के साथ कैसी है। जब हमने सवाल किया कातिलाना हमला हुआ, तो ये अपने आंसू के ऊपर जो है वो काबू नहीं रख सकते। अभी आप बोल सकते हैं? जी जी, मैं बोल सकती हूँ। जी मुझे ये बताएं कि सिक्योरिटी कम्प्रोमाइज़ क्यों हुई? हमारे इदारे तो कहते हैं हमारी मर्जी के बगैर यहाँ पे कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, पाकिस्तान का मकबूल तरीके है, दिन दिहाड़े है उसके ऊपर कातिलाना हमला हो गया, क्यों कौन सी सिक्योरिटी पहले आप मुझे बताएं, आप कौन से सिक्योरिटी इदारों की बात करें? वो सिक्योरिटी इदारे जिनकी वजह से अरशद को बाहर जाना पड़ा, वो सिक्योरिटी इदारे जिनकी वजह से इमरान, जो हमारे साफ़ी इमरान है, वो बाहर चले गए, या पीरजादा साहब बाहर चले गए, साबिर शाकिर, जी साबिर शाकिर, इरशाद भट्टी को, इरशाद भट्टी को डिसलोकेट कर दिया गया। सिक्योरिटी इदारों को तो आप छोड़ें, बात सारी ये है कि जो कुछ इस वक्त हुआ है वो सिक्योरिटी फेलियर तो ये ही है, मगर उनकी कमीनगी की इंतहा है। मतलब एक गीदड़ों का टोला है जिसने एक शेर पर हमला किया, और आप ये देखिए कि वो एक निहत्ता बंदा, इब्तिसाम जिसका नाम आया है, वो बिल्कुल निहत्ता था। उसने जिस तरह उसे एंटिसिपेट किया, जिस तरह से वो उसके पीछे भागा, आप अपने आप को रखिए, मुझे यहाँ पे रखिए, आप एक गोली चला के देखें यहाँ पर कितने लोग होंगे जो सामने खड़े होंगे। अगर वो गोली का रुख उसकी तरफ कर लेता, वो बंदा तो क्या था। तो बात ये कि आप जिसको मार रहे हैं ना, या मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो आम आदमी नहीं है, वो आम लीडर भी नहीं है, वो एक ऐसा लीडर है जो अवाम से निकल कर आया है, जो ग्राउंड लेवल से निकल कर आया है। वो लीडर नहीं है कि जिसका बाप भी लीडर था, दादा भी लीडर था, बनी बनाई प्लेट थी उसके अंदर, एक तख्त था जिसके ऊपर उसे बिठा दिया गया मुगल बादशाहों की तरह से। ये सिलसिला कायदे आजम के जमाने से चल रहा है। मौका मिलिया सी इंदा काम से वाम ना चलदा, अमीरा नाल गड्डियां कारां वाले नाल मिलदियां, गरीब अस्पताल च जरूर गरीब रोटा ते मांग रे मंगाई इंदे वक्त। मुझे ये बता कि अगर खुदा ना खास्ता आज के इस वाक्य के अंदर कुछ हो जाता, ये अवाम के अंदर जो आप गम गुस्सा देख रहे हैं, अमीरा ने ने गंड रे। बात सारी है कि अगर खुदा ना खास्ता इस वक्त इमरान खान का कुछ हो जाता, खुदा ना खास्ता, कामयाब से बहुत लंबी उम्र, अगर इस वक्त कुछ हो जाता तो मुझे नहीं पता, जो वो ब्लड शेड जो वो बोल रहे थे ना, वो रियल ब्लड शेड होना था। और अवाम क्या करती, जलाओ फेराओ पथराओ, उसमें अवाम का कसूर नहीं होता। और फिर आप ये कहते हैं कि एजिटेट किया जाता है, एजिटेशन होती है हमारी तरफ से, हम बाहर नहीं निकले। मैं हूँ, मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, मेरी बच्ची भी काम करती है, हम एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम नहीं गए लॉन्ग मार्च में, इसलिए कि साहब हमारी नौकरियाँ इजाज़त नहीं देती, मगर हमारी दुआएं और जो लोग जा सकते थे वो गए। अगर ये हो जाता ना, तो फिर घर का हर बंदा रोड के ऊपर होता, और ये तस्वुर नहीं कर सकते कि उसके बाद अवाम क्या करती है इनके साथ। ये श्रीलंका वाला हाल होता, इनको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि अवाम का पैमाना लबरेज हो रहा है। और अगर ये तफ्तीश करते हैं और फिर कोई ना कोई कहानी बना लेते हैं, तो अवाम मान ले किसे? हम अब माने हैं जो हम अब आगे मानेंगे, ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए जाएं। मैंने तो अपनी फेसबुक पे भी डाला था कि कायदे आजम की जो एम्बुलेंस थी, एक सरबरा की एम्बुलेंस जो खराब हो गई थी, वो क्या साजिश थी सबको पता है, ठीक है ना। मगर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अगर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं 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 नहीं, यहाँ सब ठीक है, वहाँ सब ठीक है, तो नोबडी इज फूल ओवर हियर, वी आर नॉट लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। आज का ये वाकया देख के पूरा बेनजीर भुट्टो वाला मेरे जहन में घूमा, सारा कुछ बिल्कुल वही था जो पिंडी में हुआ था, और पता नहीं क्यों ये लग रहा था कि ये होगा, और इन्होंने ट्राई किया है। मगर जी, हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन, हम सबको उसके लिए तालियां बजानी चाहिए, इब्तिसाम के लिए, कि जिस तरह से उसने रोका वहां पर और ये किया, और ये एक इब्तिसाम नहीं है, मेरा ख्याल है
हमारे पास बहुत सारे इब्तिसाम हैं जो इमरान खान के लिए अपनी जान में खेल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मिडिल क्लास यहाँ पर